गाइस विंडोज़ की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फिक्स विंडोज सिक्योरिटी ब्लैक और वाइट स्क्रीन प्रॉब्लम। सो अगर आपकी विंडोज़ 11 या विंडोज़ 10 के अंदर सिक्योरिटी में विंडोज सिक्योरिटी के अंदर वाइट या ब्लैक स्क्रीन की प्रॉब्लम आ रही है तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली जाना है अपनी विंडोज़ के सर्च पे एंड आपने टाइप करना है विंडोज सिक्योरिटी। ठीक है, विंडोज सिक्योरिटी सर्च करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है विंडोज सिक्योरिटी की ऐप सेटिंग में। ठीक है, आपने यहाँ पर ऐप सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं रीसेट का ऑप्शन। सो आपने यहाँ से विंडोज़ सिक्योरिटी को रिपेयर करना है। अगर रिपेयर करने से आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई तो आपने यहाँ पर फिर रीसेट के ऊपर क्लिक करना है एंड आपने अपनी विंडोज़ सिक्योरिटी को रीसेट करना है। ठीक है, एंड रीसेट कर लेने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर इससे आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई तो आपने क्या करना है, आपने दोबारा जाना है सर्च में एंड सर्च में जाने के बाद आपने टाइप करना है रजिस्ट्री एडिटर। उसके बाद आपने रजिस्ट्री एडिटर एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड आपने यहाँ पर क्लिक करना है कंप्यूटर के ऊपर एंड आपने इसको रिमूव करना है एंड देन आपने यहाँ पर इस एड्रेस को पेस्ट करना है। ये आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, एड्रेस पेस्ट कर लेने के बाद गाइस अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा स्टार्ट का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो 3 है। तो आपने यहाँ पर मेक श्योर करना है कि यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू 3 सेट करनी है एंड उसके बाद आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपने अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है एंड रीस्टार्ट कर लेने के बाद आपकी जो विंडोज सिक्योरिटी के अंदर वाइट या ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम आ रही है वो फिर नहीं आएगी। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही एंड दिस इज़ हाउ यू कैन फिक्स दिस प्रॉब्लम। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।